तो छत्तीसगढ़ में किसानों का आज बड़ा आंदोलन होने वाला है केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ। और प्रदेश में धान की खरीदी 10 नवंबर से शुरू होने की मांग को लेकर प्रदेश भर में किसान प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान धरना प्रदर्शन के साथ ही किसान चक्का जाम करने की भी तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में करीब 30 से ज्यादा किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल होंगे। पंजाब हरियाणा के किसान संगठन के इस आह्वान के साथ ही जुड़े जाने से आंदोलनरत किसान संगठनों की संख्या बढ़कर 500 से ज्यादा हो गई है। तो छत्तीसगढ़ में आज किसानों का बड़ा आंदोलन होने वाला है। 30 से ज्यादा संगठन चक्का जाम करेंगे। प्रदेश में किसानों का हल्ला बोल होगा और माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे। 10 नवंबर से धान खरीदी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। समर्थन मूल्य में धान खरीदी की गारंटी और कृषि कानून का विरोध इन किसानों द्वारा किया जा रहा है। ऐसी तमाम और उनकी मांगे हैं जिनको लेकर किसानों द्वारा ये बड़ा आंदोलन आज छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ में किसानों का बड़ा आंदोलन होगा। 30 से ज्यादा संगठन एकजुट होकर चक्का जाम करेंगे और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को या सरकार को अवगत कराने की एक कोशिश है कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। तमाम सारी जो समस्याएं उनकी हैं उनको लेकर ये प्रदर्शन होगा, ये आंदोलन होगा। तो 10 नवंबर से धान खरीदी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। समर्थन मूल्य में धान खरीदी की गारंटी और कृषि कानून का विरोध भी ये किसान कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ किसान संघ के अध्यक्ष संजय पात्री जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। उन्हीं से समझना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रमुख मांगे उनके इस संगठन द्वारा सरकार से की जाने वाली है। जी बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं किसानों की या तमाम जो संगठन है, किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे आप? तीन मांगे खासतौर से है। पहली बात तो मोदी सरकार ने जो किसानों के खिलाफ, कृषि के खिलाफ जो तीन कानून बनाए हैं, उन तीन कानूनों को जो है निरस्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि इन कानूनों के जो दुष्प्रभाव है उनको निष्प्रभावी करने के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार एक सर्वसमावेशी कानून बनाकर लाए, क्योंकि मंडी कानून में जो संशोधन किया गया है वो पर्याप्त नहीं है, वो समर्थन मूल्य को सुनिश्चित नहीं करते। और तीसरी मांग ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर 10 नवंबर से हर हालत में धान की खरीदी शुरू किया जाए। ये फैसला कि 1 दिसंबर से धान की खरीदी की जाएगी, छोटे किसानों को, कम अवधि के धान पैदा करने वाले किसानों को काफी नुकसानदेह है। और हमारा आकलन यह है कि इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को 1,000 करोड़ रुपयों का नुकसान होगा। जी, यानी कुल मिलाकर जो मांगे आप कह रहे हैं वो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। तो राज्य सरकार तक तो आप अपनी बात को पहुंचा देंगे, लेकिन केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे, क्या चेतावनी देते हैं आप? पूरे देश की जनता आज आंदोलनरत है और केंद्रीय मुद्दा यही है कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उन कानूनों को जो है वापस लिया जाए। चक्का जाम हो रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं और ये कोई आज आंदोलन नहीं हो रहा है, पिछले 3 माह से लगातार ये आंदोलन चल रहा है और बड़े पैमाने पर किसान मैदान में उतर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर, जहां प्रदेश महिला कांग्रेस का राज्यव्यापी धरना आज होगा। देश में बढ़ती महिला अत्याचार और अनुसूचित जाति वर्ग के उत्पीड़न के विरोध में ये प्रदर्शन होगा। AICC के निर्देश पर राजधानी के राजीव गांधी चौक में महिलाएं प्रदर्शन करेंगी। महिला कांग्रेस की नेत्री फूलो देवी नेताम की अगुवाई में ये प्रदर्शन होगा।
प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत दिग्गज नेता प्रदर्शन में शामिल होंगे। भोपाल